अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 17 वेज 2 है, प्रॉब्लम 10 है। अंडर वाटर एलुवियन का क्वेश्चन है, वो कहता है वन क्लू यूज कि आपका ब्रेन डिटरमिन करता है डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, जो टाइम डिले आ रहा है डेल्टा टी, जो अराइवल ऑफ साउंड है एट द ईयर क्लोजर टू द सोर्स एंड द अराइवल एट द फर्दर ईयर, यानी आपका एक कान सोर्स के करीब है, दूसरा कान सोर्स से दूर है, तो उनमें टाइम डिफरेंस जो आ रहा है, टाइम डिले आ रहा है। सोर्स जो डिस्टेंस है, वेव जो अप्रोक्सीमेटली प्लेनर है, यानी एक ही लाइन में चलने वाली प्लेन है, उसने डी दूरी तय की है, यानी आपके लेफ्ट और राइट कान के बीच की दूरी कितनी है, डी है। वो कहता है सोर्स को लोकेट कर लेते हैं थीटा एंगल पे, तो टाइम बताओ डेल्टा डी स्पेंड जो उसने किया, स्पीड ऑफ साउंड वी लेनी है एयर में, फिर वो कहता है अगर हम इसे समर्ज कर दें वाटर के अंदर, फिर डेल्टा टी बताओ। फिर वो कहता है ये जो टाइम डिले है जो आपका ब्रेन इंटरसेप्ट कर रहा है थीटा एंगल पे, वो किस डायरेक्शन में होगा, थीटा को अवेल्युएट करना है यानी। अब बड़ा सादा सा क्वेश्चन है, एस इज इक्वल टू वी टी वाला मामला है, हम कहेंगे टाइम डिफरेंट डी बाई वी कर देंगे, यहाँ से अगर आप डी देखें तो ये आपके पास डी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, यानी एक तरह से परपेंडिकुलर वाला मामला बन गया ना। तो अब आपके पास यहाँ से हम इसे लिख लेंगे, तो ये हमारा टूल, उसने टूल ही उससे पूछा था। अब जब उसे वाटर में समर्ज कर देंगे तो यही सारा मामला डी साइन 90 ओवर वाटर डी साइन 91 हो जाएगा, तो डी ओवर वाटर के तौर पे हम लिख लेंगे इस चीज को। अब क्या मामला जनाब, कि अब आपके पास उसने कहा कि टाइम डिले जो आपके पास है इंटरसेप्ट करता है, उसे थीटा का एंगल बताओ। तो हम कहेंगे जो ऊपर वाला टाइम डिफरेंस था वाटर वाले टाइम डिफरेंस की सेम रहेगा, दोनों की साइडें बराबर कर दी, यहाँ से आइडेंटिकल फैक्टर कट जाएंगे, तो अब आपके पास साइन थीटा का थीटा से इनवर्स निकाल लेंगे तो 13 डिग्री आएगा। अब इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको उसने 20 डिग्री पे मांगा हुआ है फ्रेश वाटर में, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर में आप देख सकते हैं कि कितनी लिखी हुई है, 1482 लिखी हुई है, ये 1400, और एयर में 20 डिग्री पे कितनी लिखी हुई है, 343, तो दोनों वैल्यू हमने 20 डिग्री पे इस टेबल से देख के डाल दी, तो 13 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।